हमारा ये मेंशन किया हुआ है कि कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है वो किसी भी डिसिप्लिन से 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 हो हो, 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 सकता है। तो आप चाहे साइंस कॉमर्स टाइम ऑफ एडमिशन आपको प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट या फाइनल पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा अलोंग विद कंडक्ट सर्टिफिकेट दैट इज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो रिजल्ट अवेटेड है आपका तो आप भी अप्लाई कर सकते हो एडमिशन टेस्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है हाउ एवर आई से एक बार डिटेल में प्रोस्पेक्टस जो इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां पर देख लेते हैं बिकॉज चीजें वहां पे थोड़ी ज्यादा क्लियर हैं और यहाँ पर एक तो मिस्टेक भी हो रखी है तो हम इसी इंफॉर्मेशन uh, बुलेटिन को मान के चलते हैं नाउ हियर दे हैव सेड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने यहाँ पर देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी ये जो डिस्कस किया ये है अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट यू नीड मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स आपको अपने ग्रेजुएशन में चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो जो एस सी एस टी कैटेगरी से हैं आपको मिनिमम फोर्टी परसेंट चाहिए सो so, थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जैसे यहाँ पर कैटेगरी स्पेसिफाइड नहीं है सो इट विल बी एज्यूम की एस सी एस टी के अलावा जो भी कैटेगरीज हैं उनको फोर्टी फाइव परसेंट चाहिए देन अगर आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या जून में हो रहे हैं Uh, आप अपियर करोगे मई और जून में सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो मई जून में आएगा बट अगर आप अपियर कर रहे हो उस टाइम पे देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई कोई अपर एज लिमिट नहीं है सो दैट्स द गुड पार्ट आपकी एडमिशन फीस यहाँ है एक चीज मैं पहले ही बोलना चाहूंगी कि ये एन एल यू है दैट वी आर लुकिंग एट अप्रोक्सीमेटली सेवन लैक्स की फीस हम यहाँ पर देख रहे हैं सो so, आप uh, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है वेरी सैडली बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो इस चीज को भी आप कंसिडर करना इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने से पहले इसमें बैठने से पहले अगर आप स्कॉलरशिप ले पाते हैं वेल एंड गुड प्लस जिन स्टूडेंट्स का एग्जिस्टिंग एग्जाम्स जैसे सी यू टी पी जी एम सी टी एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं उनको कम एक्सपेक्टेशन है और वो अफोर्ड कर सकते हैं देन दो स्टूडेंट्स शुड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज क्योंकि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए बैकअप के लिए अब यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन सेट स्टार्ट होंगी हावे इस नोटिस में उन्होंने विच इज वाई आई सेट कि हम ये वाला नोटिफिकेशन जो प्रोस्पेक्टस है वो देखेंगे सो एटीन मार्च से एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ खुलेगा एंड ये इधर देखोगे तो ट्वेल्थ अप्रिल तक खुला हुआ है सो टिल दैट टाइम वी कैन अप्लाई अब ये जो सेंटर्स हैं इस एग्जाम के इट विल बी कंडक्टेड इन बैंगलोर दिल्ली, हैदराबाद गांधीनगर भोपाल कटक लखनऊ एंड असम। सो अगर आप इन सेंटर्स पे पहुंच सकते हो एग्जाम देने अलग अलग सेंटर्स होंगे सो डिपेंडिंग ऑन वट एवर इज फीजिबल फॉर यू आप ये एग्जाम दे सकते हो क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो इट इज अ मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर 120 ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे आपके कहाँ से

जनरल रीजनिंग ना ऑल दो दे हैव मैं क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं किए हैं सब टॉपिक्स की मैथ्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड हो क्योंकि ऑल दो आई फील स्ट्रांगली कि हो सकता है कि ये लॉजिकल रीजनिंग ही होगा क्योंकि मैथ्स में एज सच रीजनिंग की जरूरत नहीं होती है दैट्स फॉर्मुला दैट्स एप्लीकेशन बेस्ड एंड डिराइव्ड तो रीजनिंग में वी कैन एक्सपेक्ट लॉजिकल रीजनिंग प्लस एन एल यू है सो so, uh, कंसिडरिंग पार्ट नहीं है और मैथ्स का लॉ से कोई रिलेशन नहीं है इट के नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिलेबस सो दोन कीप इन माइंड अगर हम सीवीटी पी जी की बात करें तो उन्होंने यूज किया था टर्म जनरल एप्टीट्यूड तो हमें पहले जनरल एप्टीट्यूड से रीजनिंग ही लगा था हाउएवर उन्होंने रीजनिंग और मैथ्स दोनों इंक्लूड किए थे अंडर जनरल एप्टीट्यूड सो सेम हियर ऑल दो रीजनिंग यहाँ पर वर्ड यूज है एप्टीट्यूड और रीजनिंग में काफी फर्क होता है सो इट रियली डिपेंड्स पेपर देख के ही पता चलेगा कि वो इसका पार्ट है या नहीं ऑल्दो वी विल राइट टू देम एंड लेट्स सी वॉट दे रिस्पॉन्ड Uh, क्योंकि एन एल यू है सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद ईमेल का रिस्पांस आ जाए अनलाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम आपका दो घंटे का होगा एंड uh, बाकी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है इस एग्जाम में सो so, जित uh, जो भी क्वेश्चन है आप सारे 120 क्वेश्चंस क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा इस एग्जाम में बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग सीट्स की बात करें तो सिक्सटी सीट्स हमारे पास अवेलेबल है और ये कैटेगराइजेशन है जनरल की ऑल इंडिया सीट uh, अगर हम देखें तो थर्टी वन सीट्स अवेलेबल हैं ये हमारे हो गए उदीशा उदीशा स्पेशली एबल्ड पर्सन ओडिशा डोमिसाइल ओडिशा स्पेशली एबल्ड एंड डोमिसाइल डोमिसाइल वालों के लिए दे हैव स्पेसिफाइड कि आपने ट्वेल्थ पास किया होना चाहिए विथ सिक्सटी परसेंट मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर योर डोमिसाइल कैटेगरी फॉर डोमिसाइल रिजर्वेशन सो so, ये रेजर्वेशन जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि कितनी सीट्स आपके रिजर्वेशन पे अवेलेबल है सो दैट इज मोस्टली व्हाट इट इज ये यहाँ पर फी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है सो यू कैन सी कि यहाँ पर फी स्ट्रक्चर कैसा है आपका ट्यूशन फीस ही यहाँ पर आपकी वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड है देन देर आर अदर एक्सपेंसेस सो यहाँ पर देखोगे टू फोर्टी सेवन जो है वो यहाँ एक्सपेंस बनता है हमारा प्लस अदर डिपॉजिट्स वो टेन थाउजेंड टू टू फिफ्टी सेवन अप्रोक्सीमेटली आपकी यहाँ पर फीस बनती है सो so वो तीन साल की वो ज्यादा हो जाती है फीस सो यू हैव टू द फीस ऑल्सोसली इन हेड ये बाकी जनरल डिटेल्स हैं अबाउट द कोर्स कि आपके एल कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है कैसे क्रेडिट सिस्टम है ऑल दीज आर देर आप इंडिविजुअली ब्रोशर जाके पढ़ सकते हो एन एल की ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है सो so आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके इस ब्रोशर को और जो भी नोटिस है उनको पढ़ सकते हो टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉलेज क्या स्ट्रक्चर है क्या पेडिगोलॉजी है वो आप समझ सकते हो एग्जाम रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर चुके हैं अब आप इसमें तैयारी में लग सकते हो बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम नहीं है वी हैव अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट फाइव इन हैंड एंड तैयारी अपनी शुरू कर दो क्योंकि आपने ये सारा ऑलरेडी सी PG, पी जी एम एच सी टी जैसे एग्जाम्स में पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कुछ नया पढ़ना है आ, वो ही चीज़ें हैं उन्हें वापस से रिवाइज करने बैठ जाओ एंड आई विल ऑल्सो ट्राई एंड सी इफ आई कैन रिलीज द मॉक्स फॉर दिस एग्जामिनेशन ताकि इन सब्जेक्ट्स का हमें आइडिया लग सके अलग अलग थोड़े टाइप के कैटेगरी के मॉक्स रखने होंगे क्योंकि हमें जनरल रीजनिंग की क्लैरिटी नहीं है तो उस हिसाब से हम मॉक्स रखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कैसा ये एग्जाम है क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सिलेबस के लिए अगर इनके इंडिविजुअल सिलेबस की बात करें इंग्लिश अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस रीजनिंग सो आप जो सीओ क्यूपी इलेवन का सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस जनरल पेपर का जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये वाले टॉपिक्स जैसे इंग्लिश में ये टॉपिक्स हो गए इन्हीं टॉपिक्स को रेफर कर सकते हो बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी टाइप के सेम टॉपिक्स होते हैं इसमें हो सकता है थोड़ा वेरिएशन हो जैसे लीगल अवेयरनेस अः ट्रेड अवेयरनेस इसमें हो सकता है कि थोड़े चेंजेस हो ये टॉपिक्स ना कवर हो हाउ ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ये बहुत जेनरिक टॉपिक्स हैं जो ऐसे एग्जाम्स के लिए बनाए जाते हैं करने इंपॉर्टेंट होते हैं ये जो आपका एरिया है ये आपको करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंप्यूटर्स वहां पर स्पेसिफाइड नहीं है जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग यस यहाँ पर आप देखोगे जनरल एप्टीट्यूड में इन्होंने मैथ्स को डाला हुआ है एंड नीचे यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है सो so, रीजनिंग में क्या हमारे टॉपिक्स बनते हैं ये टॉपिक्स यहाँ पर स्पेसिफाइड हैं ये आप टॉपिक सीख सकते हो रैंकिंग टेस्ट लीनियर अरेंजमेंट एंड ऑल दिस क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स दीज टॉपिक्स यू कैन सी फॉर दिस एग्जामिनेशन एज वेल एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली और भी हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एग्जामिनेशन जैसे जैसे कुछ क्लैरिटी मिलती है पता करते हैं कुछ चीज़ें ई के थ्रू इनसे जैसे क्लैरिटी मिलेगी वी विल बी पोस्टिंग है यू विल बी नोटिफाइड सो मेक श्योर कि आप चैनल को ज़रूर फॉलो कर रहे हो सब्सक्राइब किया हुआ है इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर रहे हो जहाँ पे हम आपके लिए लीगल अपडेट्स लेके आते हैं प्लस आई वुड से दैट यू कैन चेक आर वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट लॉड एच डॉट इन अगर आपके पास कुछ भी मटीरियल नहीं है तैयारी करने के लिए देन यू विल फाइंड दीज एरियाज इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का कोर्स है सीवी टी पी जी कोर्स अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हो वो आपके बिल्कुल काम आएगा उसी को आप यूज करो देन करंट अफेयर्स के लिए भी देख सकते हो वट एवर योर नीड में भी कोई क्वेरी है कोई डाउट है उसको आप कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हो एंड वी विल गेट बैक टू यू